देखो जो जैसे दो दिन पहले रही ऐसे ही तीसरे दिन रही। लंच से पहले चीफ मिनिस्टर किसी और पोजीशन में होता है, लंच के बाद इसके तौर तरीके बदल जाते हैं। तो कल अब नॉर्मल हाल में था ये चीफ मिनिस्टर, जो है नॉर्मल तो है ही नहीं है। और ये देखिए अभी तक इसको ये संदेश नहीं आया, 92 MLA आए थे, पार्लियामेंट में 32 पर रह गए। और ये मेरा मानना है ऐसे ही ये चलते रहे, हम तो परमात्मा को अरदास करेंगे मुख्यमंत्री यही रहे, कहीं बदल ना दें आप वाले, ये रह गया तो ये 32 से अब 10-12 पर चले जाए। और आप देखिए कि ऑपोजिशन को इनका तौर तरीका देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें उसको शैडो चीफ मिनिस्टर कहते हैं। अगर इनका बिहेवियर एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ ऐसा है तो साधारण पंजाबियों को क्या इनसे उम्मीद होगी। किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर, कल मैंने इनको ये सजेशन दिया था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए, या तो इनके पास चला जाए या इनको बुला लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है चंडीगढ़ में, मोहाली में लोगों को जबरदस्त परेशानी, ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं, और हमारे किसान हैं। आप इनकी बात सुनिए, जो सेंटर के साथ इश्यूज हैं सूबा टेकअप करे, जो स्टेट के इश्यूज हैं आप खुद अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजो और उन सभी इश्यूज को आप इनके साथ बात कर इनको घर भेजिए। हम ना सरकारी कर्मचारी, दे आर अप इन आर्म्स, नौजवानों के पास काम कोई नहीं, वो देश छोड़कर जा रहे, इनको फिक्र कुछ नहीं है। और मैंने ये पहला मुख्यमंत्री देखा है जो सेल्फ सर्टिफिकेशन करता है, कह रहा है सबसे जो 2-3 पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स हैं हिंदुस्तान में उनकी खुद की शमूलियत इसने खुद ही कर दी। मेरा ख्याल सबसे नकम्मा चीफ मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान में होगा तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर। तो जो कल बिल लाया है क्या उससे सर्टिफाई है? आपने कल का बिल देखी, आप हैरानी की बात, प्लॉट लीगल है, कॉलोनी इलीगल है। जैसे ये आप बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग लीगल हो जमीन नीचे इलीगल हो, ये भगवंत मान की सरकार ही काम ऐसा कर सकते हैं, परमात्मा मेहर करे पंजाब पर। जो आपने मंत्री ने या फिर विधायक ने वो कह रहे हैं जब बिल आया उसे राहत मिलेगी? नहीं, राहत तो मिलेगी, राहत इनको भी कुछ मिल गई होगी, प्लॉट वालों को तो राहत मिलेगी, बाकी राहत इन्होंने ले ली होगी इलीगल कॉलोनी वालों से जो तौर तरीका चल रहा है। मैंने कल भी ये बात कही, करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठे किए हैं रेरा के, ये जो ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने पिछले 3-4 महीने में मंजूरी दी है, करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर इकट्ठे इस गवर्नमेंट ने किए, और फ्लोर पर डिस्कशन करने को किसी बात को तैयार नहीं। अल्टीमेटली इनको ये बात अच्छी नहीं लगती, मैंने इनको क्वेश्चन किया कि एक सिख सूबे में, मेजोरिटी सिख सूबे में अगर पावन गुरु ग्रंथ साहब कि बेअदबी करने वाले लोगों को हम सिलाखों के पीछे नहीं भेज सकते, आपने अभी तक मंजूरी जो प्रोसिक्यूशन की मंजूरी वो अभी तक इसने 2.5 साल में नहीं दी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का जो हाल हुआ, मैंने कहा स्पीकर साहब आप तो एक ASI को कह रहे हो, एक SP लेवल का आदमी जाता है CIA में और अपने फोन से 1 घंटे की इंटरव्यू उसकी करवाता है और कोई अभी तक आदमी उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, और डिपार्टमेंट जेल्स का भी CM पंजाब के पास है और पुलिस का भी है। सो इट्स अ कंप्लीट फेलियर, चीफ मिनिस्टर को तो खुद ही नहीं पता कि चल क्या रहा है। सर किसान जिस ढंग के नाल आप दे लीडर एलिगेशन ला रहे ने, कल सैशन दे विच भी उन्होंने कहा कि इनलीगल कलोनियां जिहड़ियां ने कहिंदे कांग्रेसी अते अकालियां दे टाइम दे कटियां हुई ने, ते कहिंदे सरप्रस्ती उन्होंने। मेरी गल सुन, असीं कोई रोकिया
ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਢਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੌਂਟਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੌਂਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਲੋਟ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਓ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਲੋਕ ਨਰਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।